क्या हाल है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू गाइस हियर मी? यस यस, बात धीरे धीरे। तो मैं तो काफी समय से तुम लोगों से मिल ही नहीं पाया। मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था क्योंकि सीडीएस का बैच आ रहा है अपना 20 से। देखते हैं 20 से चालू हो पाया तो 20 से नहीं 25 से भाई। तो कंटेंट बनता रहता है यूट्यूब पे, तुम लोगों को पता ही है, ग्रुप में चलती रहती है। तो बात हमारी, और अब बात करूंगा आज तुम लोगों से कैसे चल रहा है तुम सबका, और क्या सपोर्ट चाहिए, है ना। अगले वीक ऑफलाइन भी कुछ प्लान किया है तुम लोगों के लिए। समवन वांट्स टू कम, वेलकम। ओके, यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं मिसिंग हैं अभी, ठीक है। ओके, दे विल ज्वाइन। चलो कैमरे ऑन कर लो अगर कंफर्टेबल हो, क्योंकि इसकी ये जो है ना, दिस माइट गो ऑन यूट्यूब। तुम्हारी मर्जी है, बाकी लड़कियों को छोड़ देते हैं, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या हाल चाल है ये बताओ सबसे पहले। तो मजा आ रहा है? क्लास यस क्लास कैसी चल रही है? एनी फीडबैक यू वॉन्ट टू गिव मी कि भैया ये चीज और चाहिए, ये सपोर्ट और चाहिए? पहला बैच है ये लक्षदीप के साथ एसएसबी का, एंड आई एम होपिंग कि तुम लोग जब आए हो, जिस दिन से तुमने ज्वाइन किया हो, जो बच्चे पहली डेट से ज्वाइन है, जैसे अंकुश हो गया, प्रज्वल हो गया, है ना, तेजस है, कुछ बच्चे बाद में आए, तो होपिंग कि तुम लोग सीख रहे हो, चीजें समझ में आ रही है, चीजें सारी पता लग रहा है कि बेसिक्स क्या है, किस तरीके से तैयारी हमें करनी चाहिए। पता बताओ बिंदा, पता तेजस कैसा चल रहा है? हाँ सर, अच्छा चल रहा है। इम्प्रूवमेंट है पहली क्लासेस से लेके अब तक कुछ सीखा? हाँ, मीन्स क्लैरिटी तो मिली है। मीन्स जनरली अंधेरे में तीर मारने से अच्छा एक डायरेक्शन पे तीर प्रॉपर है थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस कितनी हो रही है डेली बेसिस पे? लक्षदीप टास्क दे रही होगी करने के लिए? अभी। हाँ मीन्स सुनो, लक्षदीप जो देती है हम कर लेते हैं। मीन्स मैं तो जनरली कर लेता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है ऑफिस में, तो मैनेज करना पड़ता अलग वर्क में तो वो थोड़ा सा वो चैलेंज। इसी का नाम जीवन है मेरे भाई, करना पड़ेगा। तुम सब बड़े बच्चे हो, यू हैव टू मैनेज। करो लुक बैक सेलेक्ट होने के बाद तो हमें समझ में आएगा कि कुछ कारण है ना। प्रभात जी जी सर। तेजस म्यूट कर लेना तेरी तरफ से थोड़ी सी वॉइस का वो। हाँ प्रभात, बढ़िया तैयारी चल रही है सर, और OIR टेस्ट भी जो स्टार्ट हो गए हैं ऐप में वो भी लगा रहे हैं बढ़िया। और अपना थोड़ा सा PPT टीवी में प्रैक्टिस करता रहता हूँ, घर पे भी फोटोज निकाल निकाल के, और यही सब बैठ की SRT सब ऑनलाइन निकाल के धीरे धीरे दे रहे हैं। पुराने वाला पुराने वाले जो लेक्चर्स हैं तुम लोगों के, तुम लोग रिकॉर्डिंग देखते हो क्लास की? ऐप पे मैंने पूरा सीमलेस स्टैक बनाया हुआ है, एकदम बढ़िया। कभी यस सर। तुम अब लोग ओल्ड लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखनी हो ना, यस वो तुम सर लोग आराम से देख सकते हो, है ना। जी, तो वो मैंने उसमें कोई इशू आता है या कुछ ऐसा पंगा होता है कि नहीं खुल नहीं रहा या ऐसा कुछ? नहीं अभी तो कोई इशू नहीं, मैंने खुद ही मेरी मतलब मैं ट्रेवल कर रहा था अभी दशहरा के कारण, एक दिन 2 दिन के लिए मेरी क्लास मिस हुई थी, तो मैंने वो अभी रिकॉर्डिंग क्लास मैंने वो भी देख ली है, तो अभी इसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा क्लास देखने में, रिकॉर्डेड क्लास। ओके, तुम्हारे को व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैंने SSB रिसोर्सेज का लिंक दिया है। मेरी एक ड्राइव है जहाँ पे मैंने SSB से रिलेटेड दुनिया भर का कंटेंट डाला है। जी SRT, OIR, OIR सब कहानी खत्म है, ठीक है बच्चों। तो उसमें ड्राइव लिंक पे ओपन करोगे ना, जब तुमको सारा कंटेंट मिल जाएगा। कुछ बच्चों के पास ये पहले से होगा, जिसके पास नहीं है इसको कहीं सेव कर लो अपने पास, इसको मेल कर लो, इस लिंक को ना कॉपी करो, खुद को मेल कर लो और स्टार बना के सेव कर लो मेल पे, हमेशा के लिए रहेगा। बहुत कंटेंट डाला हुआ है इसमें मैंने। सर, ये तुम्हारे अपने ही वाले ग्रुप में है ना, हैं अपने ही इसी मेन ग्रुप में है?
हाँ अपने लक्ष्य वाले में आए ना, मैं उसके लक्ष्य के डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ, कहीं शेयर मत करना भाई, अपना कंपटीशन बढ़ाने वाली बात हाँ यार जी, है। ऐड ग्रुप डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एसएस, मैं ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ तुम लोगों के लिए, एसएसबी ड्राइव, ठीक है, एसएसबी ड्राइव करके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ठीक है बच्चों, लक्ष्य मेंटरशिप वाले ग्रुप के उसमें मैंने डाल दिया, ठीक है, अपडेट कर दिया, जी उसमें आ गया, तुम्हारे पास आ गया इसको, जी ये मेरी मीटिंग से निकलने के बाद सबसे पहला काम जो करना है इसको उठाना है, लिंकों को कॉपी करना है, अपने आप को मेल कर लेना है, कभी तुम ट्रेवल में हो कहीं पे भी हो, उसमें जीडी के भी डाले हुए हैं टॉपिक, एसएसबी के टेट वेट एसआरटी एसडी प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रभात करना है भाई, सिलेक्शन चाहिए जी इस बार तो लेना है है ना, करना है, जी। इसीलिए ये बैच भी बनाया गया था जब मेरे द्वारा, तो मैंने ये सोचा था कि यार मैं कैसे और ज्यादा बच्चों को हेल्प कर पाऊँ, लक्ष्य का ऐसे ही कॉल आया एक दिन कि सर वो तो छोटी बहन की तरह है, उसको 2021 में से जानती है वो, तो मुझे 2021 से, तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, तू बच्चों को पढ़ा, फिर तो अकेडमी में थी, ये बच्चे हैं इनको तुमको जो आता है सब सिखाओ, तुम्हारी जर्नी से सीख जाएंगे ये चले जाएंगे अंदर, तो इसने स्टार्ट किया है एंड आई एम होपिंग कि तुम सबका सिलेक्शन होना चाहिए, तो वो तुमको मदद लगे, मेरे को कभी भी टाइम के बारे में सोचना मत कि मैं 12 बजे भैया को मैसेज करूँ, 1 बजे मैसेज कर रहा हूँ, भैया क्या सोचेगा, मैसेज कर देना अपना कि सर मुझे ये चीज़ में हेल्प चाहिए, भाई मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है, तुम लोगों को हेल्प करके, तो अभी अभी आई थिंक ऐसा कभी हुआ नहीं होगा कि तुम लोगों ने मुझे मैसेज किया या तुम्हें रिप्लाई नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ होगा आई थिंक अभी तक, तो कभी ना, जी सर है ना, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ये तुम लोगों के लिए नहीं, मैं हर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन अ सिंगल कॉल, तुम मुझे कॉल करोगे, कॉल मिस कॉल पे गया मैं हमेशा कॉल बैक करता हूँ, जो बच्चे बैच के हैं उनको मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, सबसे पहले मैं उनको कॉल बैक करता हूँ तुरंत, अभी अंजलि यहाँ पे है नहीं, देयर इज अ न्यू किड जो आज ही आई है अंजलि, उसने आज एडमिशन लिया है, वो क्लास में नहीं, उसके कोई घर में गेस्ट आ गए थे, उसने मुझे मैंने उससे पूछा कॉल करके कि तू क्यों नहीं आई, बोली भैया घर में गेस्ट है, मैंने कहा कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग देख लेना, पर कल से मुझे वो चाहिए, क्लास बंक मत मारना, इन केस देर इज सम मेडिकल इमरजेंसी और देर इज सम सीरियस इमरजेंसी बेटा, तब तक बंक मत मारना, एक एक दिन की वैल्यू है, ये याद रखना कि जिस टाइम पे तुम पढ़ते नहीं हो ना उस टाइम पे कोई दूसरा बच्चा पढ़ के आगे निकल जाएगा, ठीक है, तुमने सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट बनना है एसएसबी के लिए, बात समझ रहे हो, यू हैव टू बी द मोस्ट डिजर्विंग चैप, कि वो बच्चे जब तुम एसएसबी में इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठे हो तो उसको ये लगना चाहिए कि यार अगर इस बच्चे को नहीं लिया ना तो फायदा नहीं है इस वाले बैच को असेस करना, इतना तगड़ा बनना है आपको, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, ग्रूमिंग लक्षदीप करा रही है, वो खुद एक एक्सएफए रही है, वो खूब तगड़े से मैंने उसको बोला है, और आई थिंक अच्छा मुझे ये बताओ वो डांटती तो नहीं है ज्यादा तुम लोगों को, नहीं नहीं डांट वांट नो सर डांटती वांटती तो नहीं, नहीं डांट डांटती और देती अगर डांट भी देती है तो वो तुम्हारे फायदे के लिए भाई, ठीक है, वो बड़ी बहन की तरह डांट भी देगी, मैं भी बहुत गुस्सा कर देता हूँ बच्चों पे, पर मेरा कोई ऐसा पर्सनल खुन्नस नहीं है किसी के साथ यार, आई आई लव यू ऑल इक्वली, मेरा मेन मकसद है कि तुमको अगर मैं डांटूंगा भी तो उसके पीछे कंसर्न होता है, दैट इज अ ब्रदरली कंसर्न कि यार इसका कुछ हो जाए, ठीक है, तुम आए हो जब मेरे पास तो मेरा एक वो कंसर्न ये रहता है कि यार ये बच्चा है इसको कराना है सेलेक्ट, ठीक है, तो कभी भी बुरा नहीं मानना है, अपने को इम्प्रूव करते जाना है, ठीक है, प्रभात का सॉर्टेड है, कुनिका तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है, हाउ इज द क्लासेस आर गोइंग ऑन, फीडबैक कितना सीखा, कितना कॉन्फिडेंस आया बेटा, बहुत सीखा सर मैम, मतलब जब जब मिस्टेक्स होती है तो बता देती है तो उस पर काम करती हूँ एंड या जो इंटरव्यू जो हो गया, मैम, हाँ हो गया, एक हो गया, एक हो गया ना बच्चों, इस वाले बैच में 2 बार इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है, लक्स विल टेक अगेन है ना 2 टाइम्स ही टेकिंग, एक बार तो तुम्हारा रॉल लेगी, वो रॉल लेने पे ये पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, अब उस पानी में से निकालना भी तो है भाई, फिर तुमको बताया जाएगा उस पर आप काम करोगे, देन योर सेकंड इंटरव्यू विल बी डन, आप जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, भाई मैंने अपने पापा के 1.5 लाख रुपए खर्च किए, मैंने बालोई में लिया, यहाँ लिया, वहाँ लिया, खच्चर ही था सब कुछ, सच बता रहा हूँ, कोई मतलब एक पर्ची पकड़ा देते थे, आई वुड नॉट नेम द ऑफिसर, जनकपुरी में ही, प्रज्वल तो जानता होगा जनकपुरी में है ना बालोई, प्रज्वल तो मेरे आसपास ही रहता है भाई, एक सुना पंद्रह नहीं दिन मैंने सर। बालोई अकेडमी है सबसे पुरानी है कोचिंग वो एसएसबी की दिल्ली में, जनकपुरी वेस्ट में, इंटरव्यू लिया बाई 20-25 मिनट का और पर्ची दे दी, आप अपनी अंग्रेजी पे काम कर लो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर लो, अपना जनरल अवेयरनेस बढ़ा लो और बॉडी लैंग्वेज ठीक कर लो, मेरे 4 दोस्त और गए मेरे साथ में रूममेट जो थे भाई, उनको भी सेम पर्ची पकड़ा दी, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, फिर बाद में जब 2-3 SSB दे दिए तब समझ में आया अपना तो कट गया था, स्कैम हो गया था भाई, इतनी फीस ली, मतलब
तब फिर से तब मुझे ना कोचिंग वाले शब्द से घृणा हो गई। प्लस मैं वहां पे जब गया तो यार मैं पीएबीटी में फेल हो गया, मुझे बनना ही पायलट था लाइफ में, और उन्होंने मुझे पीएबीटी की भी कोचिंग चिपका दी कि तुम पीएबीटी की कोचिंग कर लो। उस टाइम पे उन्होंने 700 रुपए लिए थे मुझे, अभी कोई बहुत विंग कमांडर रैंक के अधिकारी थे उनके पास भेजा भाई, उनसे ज्यादा मैं यूट्यूब से सीख के चला गया था। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि नहीं सर अब तो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो चुके हैं, आप जो बता रहे हो 1970 में होता था। बोले शट अप यू डोंट नो मोर देन मी। ठीक है भाई, मैं गया देहरादून, 1.5 घंटे हमारी पीएबीटी की लेक्चर लगती है वहाँ पे। मेरे को लगा यार ये जो पढ़ा रहे हैं वो मैंने जो पढ़ा है वो तो अलग ही चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया सब चीज़ों में, मैं फेल हो गया पीएबीटी में, भाई का पायलट बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज आई वॉज रॉन्गली कोच्ड। उस दिन से मेरे दिमाग में ये चीज़ स्टक कर गई थी कि यार अगर कभी मैं पढ़ाने वाले जोन में आया तो मैं बच्चों को ना गलत तो नहीं पढ़ाने वाला, ना उनको कभी गलत हाथों में जाने दूंगा। क्योंकि यार किसी का सपना होता है और किसी की बेवकूफी की वजह से, किसी के लालच की वजह से वो खत्म हो जाए ना, तो दैट इज अ वेरी बैड थिंग। ऊपर वाला माफ नहीं करता, अभी उनकी इतनी बुरी हालत है, सालों के पास एडमिशन नहीं है। ठीक है, बिकॉज कितने दिन बना लोगे बच्चों का, एक लिमिट तक आप पागल बना सकते हो, इवेंचुअली तो वही आदमी जीतेगा जिसमें दम है। तो ये है कहानी। तो तुम लोग पिलर्स हो एंड मैं हर दिन ये सोचता हूँ कि कैसे तुम लोगों को और बेहतर तरीके से मैं ट्रेन कर पाऊँ, और तुम लोग सेलेक्ट होके फिर अगले साल भाई फोन करोगे वहाँ से भैया हो गया हमारा, तो मुझे मुझे को बहुत खुशी होगी ना। तुम ये देखो ना कि तुम ऑफिसर बन जाओगे कि तुम्हारी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे, है ना। योर पेरेंट्स, यू, नॉट ओनली यू, योर पेरेंट्स, मी, लक्स, है ना, तुम्हारे छोटे भाई बहन, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा स्कूल कॉलेज, एवरीवन विल बी प्राउड ऑफ यू, है ना। जब तुमको पढ़ने का मन ना करे, जब तुमको मेहनत करने का मन ना करे, तुम इन चीज़ों के बारे में सोचना कि मैंने चालू क्यों किया था। अब तो मेरे पास सपोर्ट भी है, एक टाइम ऐसा था ना कि सपोर्ट नहीं थी, मुझे कराएगा कौन, अब तो सपोर्ट भी है, तो उस चीज़ पे अपने को काम करना है ना। पुनिका ठीक है, एनी टाइम एनी हेल्प नीडेड नंबर सबके पास है, तेजस बता दिया, प्रज्वल तू बता क्या चल रहा है। सर बढ़िया सर, एक नंबर मजा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। यस सर। तो मेहनती बच्चा है तू। सर वो सर आप जो ग्रुप में न्यूज़पेपर भेजते हो सर, उसमें कौन सा पढ़ना है सर, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, सर कई सारे भेजते हो। एक और मेरे हिसाब से जो सबसे इजी पढ़ता है हिंदुस्तान टाइम्स, सबसे इजी लैंग्वेज हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, हिंदुस्तान ऑर्डर समझ लो, हिंदुस्तान टाइम्स इजीएस्ट है ना। सुपर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री हिंदुस्तान टाइम्स, कंपैरेटिव डिग्री टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर इंडियन एक्सप्रेस एंड टाइम्स ऑफ इंडिया सेम लेवल पे हैं, एंड देन सबसे टफ है हिंदू, वो है सुपर सुपरलेटिव, सबका पापा है वो। उसमें थोड़ा ना लैंग्वेज तो क्या यूपीएससी वालों को बोलते हैं हिंदू पढ़ा करो, मतलब ये नहीं है कि आपने कौन से अखबार से नॉलेज अक्वायर करी, मुद्दा ये कि आप जनरली अवेयर हो या नहीं हो। मैं हर महीने मैगजीन बना के देता ही हूँ तुम लोगों को फ्री, 45-40 पेजों में मैं पूरी कहानी निपटा देता हूँ महीने भर की, उसको भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। आई विल री अपलोड अगेन, मैं ग्रुप पे अभी वापस डाल दूंगा मैगजीन 6 महीने की। न्यूज़पेपर मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे घर पे 2 न्यूज़पेपर आते हैं, मैं हिंदी वाला ज़्यादा पढ़ता हूँ अंग्रेजी वाले से, और मैं अंग्रेजी के लिए अपने आप के मेरे एक सेट पैटर्न है, मेरे को IIDN का ब्लॉग देखना है रोज, एक बार स्क्रॉल करना है क्या कहानी चल रही है फौज में क्या हो रहा है, IDRW इंडियन डिफेंस रिव्यू करके IDRW.org, मैं तुम लोगों को इस सेशन के बाद लिंक दे दूंगा, उसको देखा करो, उसमें इतने ब्लॉग आते हैं महीने में 400-500 आ जाते हैं। अब सोचो इतना नॉलेज बेस आपका एक्सपेंड हो गया, तो जब मैं GD करता हूँ ना, बच्चे कहते हैं सर आप तो बोल नहीं देते हमको, आप कितना ज्यादा ज्ञान दे देते हो। मैंने कहा भाई पढ़ने से आता है ज्ञान, मुझे थोड़ी ना आता था एक टाइम पे, मैंने भी तो सीखा है। किस टाइप की न्यूज़ पढ़नी है, मनोरंजन वाली खबरें नहीं पढ़नी, ठीक है। पहला पेज इंपोर्टेंट है, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, रिसेंट बर्निंग टॉपिक्स जो चल रहे हैं, तुमको पढ़ना तो सारा ही अखबार है, पर एक बार इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स इकट्ठा किया करो जब भी आप न्यूज पढ़ रहे हो ना, डेटा, फैक्ट एंड फिगर्स, जब GD में बोलोगे ना तो फैक्ट एंड फिगर से जो बच्चा बोलेगा ना वो मोर इम्प्रेसिव होगा। तो अब आप डेटा बोलोगे ना, फैक्ट एंड फिगर्स, कि हाँ मैं पर्टिकुलरली इस साल में इस स्कीम के माध्यम से इतना ज्यादा जॉब क्रिएशन हुआ, फौज ने इस साल इतने वेपन इंडक्ट किए, इस कंट्री का ये वेपन था, इतने रुपए में हमने खरीदा, इतने ऑर्डर्स और है, मतलब ये स्पेसिफिकनेस होती है डेटा के साथ साथ, स्पेसिफिक डेटा आपके नंबर बनेंगे। अखबार कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस नॉलेज को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पर फर्क पड़ता है। तुम लोगों को अपने लेक्चरेट के डूज दूंगा, रुद्र सर के है वो, मेरे को सर ने बताया था जब मैं तैयारी कर रहा था, तुमको अगर किसी कंटेंट पे टॉपिक नहीं आता ना वो,
तो भी भाई तो तुमको पुराना ज्ञान है ना उसके बेसिस पे तुम बोल के आ जाओगे और तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। इतना तगड़ा है वो सिस्टम, वो मैं भेजूंगा अभी आफ्टर दिस सेशन। ठीक है, तो इन चीजों पे काम करना है। ठीक है प्रज्वल, ठीक है सर, ओके। बाकी कहीं के भी तुमको ऐसा लगे कि मुझे इस चीज में मुझे लग रहा है कि मेरी मेरे को दिक्कत हो सकती है SSB में, जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं मैसेज ही एक मैसेज दूर हूँ बस तुमसे। ये मत सोचना कि भैया तो दिल्ली में बैठा हुआ है उसको फर्क। मैं आज क्लास में, मेरे को बहुत दिन से क्लास, मैं लक्ष्य को 3 दिन पहले बोल रहा था कि मुझे बच्चों के साथ लेक्चर लेना है, एक आधे घंटे की क्लास लेनी है, चल क्या रहा है इन लोगों का। आज कर पाया हूँ क्योंकि आज थोड़ा टाइम मिला। ठीक है, कहीं पर भी दुख तकलीफ है, कोई भी प्रॉब्लम है, गिव मी अ कॉल, व्हाट्सएप में सब कर दो तुरंत, आई विल टेक केयर। ठीक है प्रथम, तू बता क्या हाल चाल है, इंटरव्यू हो गया तेरा? ना भैया, अभी नहीं हुआ। आज एक्चुअली मेरा फर्स्ट क्लास था। अच्छा, चीजें हाँ समझ में आ रही भैया, है? चीजें समझ में आ रही है और वेबसाइट में कर रहा हूँ OIR वगैरह। और भैया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो OIR है, मतलब जैसे अपना प्रॉपर OIR आता है, तब कितना 30 से 40 मिनट्स का जो भी OIR अपने आता है वहाँ पे हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो उस पैटर्न में, सेम पैटर्न में भी होगा ना, तो एकदम रियल फील आएगा। अभी क्या है, सेगमेंट में बना हुआ है, जैसे आपको नंबर्स वाला करना है, अरिथमेटिक करना है, या फिर लैंग्वेज वाला करना है, तो उसके लिए 5 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन है, 5 मिनट के लिए कुछ क्वेश्चन है, ऐसा है। तो मतलब एक साथ ही पूरा मिल जाए, जिससे मतलब सबका मिक्स हो, तो उससे देखो, अपन को अभी अपना एक्चुअल पता लगेगा। मैं समझ गया, OIR में मैं ऐड करवा रहा हूँ, कंटेंट टीम लगा रखी है मैंने इस पे, उसमें 100 हो जाएंगे। उसमें ना टेस्ट कर देंगे हम लोग, 100 टेस्ट कर देंगे। तो अभिषेक सर करते हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे को लॉगिन बना के देते हैं ना, वही करता है वो काम, हाँ वो भैया, जिसको ना बोला है। मैं उसमें एक्चुअली क्या है, सेगमेंट में आ रहा है, उसमें कंटेंट पूरा है, A to Z पूरा कंटेंट है, और उसमें आर सेगमेंट में रहा है। तो जैसे कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, जैसे इमेज इमेज रिलेटेड कोई सेगमेंट है, तो उसमें 6 क्वेश्चन है और 3 मिनट है, ऐसा है। और अपन को चाहिए कि उसमें पूरा आ जाए, सारा कंटेंट एक साथ आ जाए, जैसे 30 मिनट का एक्चुअल जो वहां पे होता है अच्छा, तो वो कह रहा है सेम पैटर्न में चाहिए वैसा। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही। टाइम के हिसाब से तो 30 मिनट 30 मिनट में अपन से, हाँ टाइम मैनेजमेंट अपना कितना हो रहा है, 30 मिनट से अपन सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, समझ गया एग्जैक्टली मैं, वो। टाइम हाँ मैनेजमेंट सीखना है। 30 मिनट, भैया, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन वाला फॉर्मेट में चाहिए ना, ठीक है वो मैं कर हाँ दूंगा। एग्जैक्टली वही। जी और ये करवाता हूँ मैं, इसमें 8-10 टेस्ट और ऐड भैया, करवाता हूँ, ठीक है? ये वाला फीडबैक एक बार वो स्टडी दोस्त एडमिन वाले में अभिषेक सर को पास कर दो तुम, ठीक है? वो बोलना ओके सर ये करवा दो, वो करवा देगा, ठीक है? तो ओके नोटेड, वेल नोटेड, गुड गुड वन, गुड फीडबैक भाई, इस पे काम करते जी हैं। और मैंने जो ड्राइव लिंक दिया है ना, उसमें दुनिया भर का OIR भाई, खत्म कर लो सबको, गिट तो मिलेगा भैया, नहीं। OIR की बहुत सारी टेस्ट बुकलेट तो ऐसी आएंगे जिसमें ऑलरेडी आंसर टिक हो रखे होंगे। SSB में ऐसा होता है, हाँ चेंज नहीं होती, बहुत बार वही आ जाती है घूम फिर के। एक दो तो ऐसी आती है जो मेरे को 4 बार मेरी आंखों के सामने 4 SSB में सेम, मैं कह रहा यार ये क्या मजाक। मैं पूरा फिर भी नहीं करता था, मैं 3-4 फिर भी छोड़ के आता था, क्योंकि मेरे को सर ने बोला था अगर तो पूरा करेगा तो OIR 1 आ जाएगा, वन आ जाएगा तो तुम तो गए फिर भाई, IIT और UPSC लेवल का इंटरव्यू होगा तुम्हारा फिर वहाँ पे, तो वो नहीं है, टेक्निकली खेलना है वहाँ पे। चलो ये करवाता हूँ, हिमांशी तुम बताओ क्या यस सर, चल रहा है, सर सब वो सही चल रहा है। कितना इम्प्रूवमेंट है पहली क्लास से लेके अब तक जब से तू आई सर है। पहले ना मतलब पिक्चर देख के स्टोरी नहीं बन पाती थी, पर मैम ने बहुत सारे टिप्स दिए कि क्वालिटीज कैसे दिखाना है, एक्शंस कैसे दिखाना है, तो अब इम्प्रूव हो गए काफी। मतलब कहानी पढ़ के पिक्चर समझ में आ जानी चाहिए, ये बात कोर है। ऐसा नहीं कि पिक्चर देख के कहानी बन रही है, कहानी पढ़ के तुम्हारी आदमी विजुलाइज कर पाए आंखें बंद करके, अच्छा दिस इज लिखना, अच्छा तो ये होगी इमेज, दैट इज द बेस्ट थिंग। ये मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था, ग्रुप कैप्टन ने, के श्रीवास्तव सर ने, सर वाली जो बुक है ना, तो सर की किताब है, सर वाली किताब में, इस वाले बैच में ना नोट्स के रिसोर्सेज में डाल दूंगा। सर से पूछ लिया है मैंने, मैंने कहा सर मेरे कुछ बच्चे हैं उनको मैं दे दूँ, सर ने बोला ठीक है दे दे, इससे पढ़ के कर लेना। तो ये है, और इंटरव्यू हो गया तेरा, यस सर, हो गया। कुछ फीडबैक मिला होगा उस पर काम कर लेना, हाँ हाँ सर चल रहा है ना? उसको। लड़कियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, या 2 ही लड़कियां हैं मेरी, अभी एक और आई है नई तीसरी, उसके कल से दिखेगी क्लास में। भाई तुम्हारे लिए सेलेक्ट होना बहुत आसान है, तुम कन्विंसिंग हो। लड़के तो हमारे चलो ठीक है, जैसे भी हैं हम, जैसे हैं मेरे ही हैं सब, ठीक है। तो लड़कों को चैलेंज आता है, ये दिस इज अ नेचुरल थिंग, गर्ल्स आर मोर कन्विंसिंग, भाई बुरा मत मानना तुम लोग, ये चीज है। माई वाइफ वॉज रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट यार, मैं 5 SSB दे चुका था तब तक, वो पहली बार में गई खत्म भाई, अंदर सीधे
पढ़ाया मैंने, पेपर पास करवाया मैंने, हम कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, मैडम हमारी सिलेक्ट हो जा रही है। मैंने कहा यार कितनी गनगोर बेइज्जती है ये तो। पर शी हैड हर ओन लाइफ जर्नी, उसके पापा नहीं थे, उसने बहुत कम उम्र में पैसे कमाना चालू कर दिया था, वो बहुत अभी भी ठीक है, हालांकि अभी तो खैर शादी वादी हो गई हमारी, बहुत सारी चीजें हो गई, तो अभी मैं बैठता हूँ जब बात करता हूँ तो उसने बोला कि व्हाई यू फील बैड, मेरा पहली बार में हो गया था वो, तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, टाइम टाइम के हिसाब से वैसी चीजें थी कि मैं सेलेक्ट हो गई थी, वो नेवी में भी रिकमेंड हुई थी। तो हर किसी की लाइफ जर्नी होती है, कंपेरेटिवली मेरी लाइफ बहुत कंफर्ट में थी, मेरे पापा ने कॉलेज वॉलेज तक का सब फंड किया था, सी एस डनर बी टेक इन स्कॉलरशिप, 30,000 में बी टेक कर ली 4 साल की मात्र, हमने 4 लाख रुपये दे के खर्च करके करी है ना, पैसे कमाए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे ज्यादा था क्योंकि उसको अपने भाई की भी देखा, बहुत सारी चीजें थी। तुम्हारी लाइफ जर्नी जो है ना उसके बारे में पता होना चाहिए और आप उसको कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो अच्छे से, इफ़ यू हैव सम ऐसी कुछ स्टोरी कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम फेस करी है ना, कैसे आपने टर्न अराउंड करा है उसको, तो दैट स्टोरी हैज टू बी टोल्ड देयर। बट शिवम सर, अगर वैसा कुछ अगर हम बताए, मींस अगर किसी के लाइफ में सच में स्ट्रगल होगा, हां, ही पोर्ट्रेस दैट थिंग इन इंटरव्यू, दे विल से दैट दिस गाइस इज मींस थिंकिंग लाइक गेटिंग अ सिंपैथी। नहीं 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 नहीं, वो आप खुद से नहीं बताओगे ना, दैट पर्सन विल गेट टू नो ना, आप खुद से नहीं बताओगे ना, अगर वो आप, क्योंकि आपने पीआईक्यू में इनपुट दे दिया ना उसको, आपने पीआईक्यू में इनपुट दिया, दैट पर्सन विल आस्क यू ओके टेल मी अबाउट इट, जैसे मेरी वाइफ के वाले, आई टेल यू एग्जांपल ऑफ माय वाइफ, उसे पूछा गया कि ओके हाउ द फाइनेंसिस आर बीइंग टेकन केयर इन माय होम, इन योर होम, उसने बोला कि सर अभी मेरी मम्मी को रेंट आता है नाना जी की साइड से जो भी आता है उससे चलता है हमारा खर्चा, और सर आई यूज टू वर्क, वो कॉल सेंटर वगैरह में काम करती थी, आई ऑल्सो वर्क सर, उससे मुझे इतना पैसा आता है, तो उनसे पूछा कि अच्छा उस पैसे का आप क्या करते हो, मम्मी को दे देती हूँ, इतना पैसा मेरा कुछ खर्चा तो है नहीं, तो जबरदस्ती नहीं गई ना, जब पूछा गया तब बताना है, जब आपसे पूछा जाएगा तब आप बताओगे ना, और जो सच है वो बताओगे, गलत थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि नंबर बनाने के लिए गलत बताओ, जो लाइफ में है ऐसा नहीं, अब हर किसी की लाइफ में तो उतना स्ट्रगल नहीं होगा ना, हर किसी की लाइफ अलग है, मेरी जर्नी अलग है, तेजस की अलग है, हिमांशी की अलग है, महेश की अलग है, सबकी लाइफ जर्नी अलग है, एंड एवरी वन ऑफ अस हैव इक्वल चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। आई हैव अ स्टूडेंट जिसके पापा करोड़पति आदमी थे, दैट पर्सन ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड। आई हैव अ स्टूडेंट जिसके पापा गरीब किसान थे, घर में फाइनेंसिस की बहुत दिक्कत रहती थी, वो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है, इंडिविजुअल चॉइसिस का है। तो जिसके पापा करोड़पति थे, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूमते थे, उससे पूछा गया कि भाई क्यों आ रहा है, कंफर्टेबल लाइफ है, मस्त चल रहा है तेरा तो सेटअप, तो नहीं सर आया मैं इंडिविजुअल कॉल, मेरे को केक मिलती है सर इसी से, आई वांट टू जॉइन, तो आई वांट टू जॉइन, माय फादर हैज अ बिजनेस अप एंड रनिंग, आई डू नॉट वांट टू जॉइन, मैं अपनी लीगेसी खुद बनाना चाहता हूँ, वही मार के ये डायलॉग मार के आ गया था भाई, बोला सर मेरे पापा का जो है वो उनकी अचीवमेंट है सर, मेरा तो खुद, मेरे को खुद को बनाना है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने पापा की वजह से जाना जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरे नाम की वजह से जाने जाएं। कितना बड़ा बच्चा, कितना बड़ा बात हो गया 19-20 साल की एज में ये बच्चे की, इवन दो ही हैड एवरीथिंग, उसके पास बीएमडब्ल्यू की बाइक थी जब वो कॉलेज में था, इतना पैसा था उसके पापा के पास, स्टिल दैट किड गॉट सेलेक्टेड, एंड एक बच्चा था जिसके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, SSB में जाने के लिए टिकट मैंने करवाई थी, जूते के लिए पैसे नहीं थे, बोला भैया पुराने जूते हैं, फटे हुए हैं थोड़े से, चल जाएंगे, मैंने कहा नहीं नए ले जा, मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, बाजार में जा 500 रुपये तक मैं खरीद ले, आराम से मिल जाएंगे, जूते दिए थे उसको लेके, वो बच्चा भी सेलेक्ट हुआ। हर किसी की जर्नी अलग है बेटा, है ना, तो एवरी वन ऑफ यू हैव योर ओन जर्नी, बी प्राउड ऑफ दैट जर्नी। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसपे यहाँ फंसे होंगे, सिचुएशंस टाइट होंगी, आपने टर्न अराउंड किया होगा, आप उसको प्रोजेक्ट करोगे ना अच्छे वे में, आपको फायदा होगा, ये चीजें सबकी लाइफ में होता है यार कुछ ना कुछ ऐसा, कंफर्ट में तो किसी की लाइफ नहीं है भाई, जो जॉब कर रहा है वो ऑफिस से दुखी है, जो स्टूडेंट लाइफ में है उसको पेरेंटल प्रेशर है, जॉब नहीं लग रही, जिसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा उसको अलग है, जो वर्किंग है उसको ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचना है, तू तो जानता है ये बात अच्छे से, तू तो वर्किंग है, तेजस ये भी चैलेंज होता था, व्हेन आई वाज गिविंग माय SSB, हर तीसरे महीने SSB होता था, छुट्टी के लिए झूठ कैसे बोलूंगा ऑफिस में, पता लग गया इनको SSB दे रहा हूँ, मैनेजर को दारू पिला के सेट करना पड़ता था कि सर जा रहा प्लीज से गुरु जी, आप जो बोलोगे टारगेट कर दूंगा, 10 दिन में कर दूंगा सर, 10 दिन में कर दूंगा सर, जो बोलोगे 10 दिन में कर दूंगा, और 10 दिन में कितना मैं को घिसना पड़ता था अपने आप को, मैं अपने दिल में आज भी जानता हूँ, जो उस टाइम पे घिसा उसका फल आज मिल रहा है, 30 साल का होते होते थोड़ा बहुत कुछ जोड़ लिया लाइफ में, तो वो वाली बात है ना, सो एवरी हार्डवर्क दैट यू पुट इन टुडे विल लीड यू सम रिजल्ट इन द लेटर रन इन द लाइफ आगे,
अभी नहीं समझ में आएगा, अभी बस मेहनत करो, तुम बस कुछ मत करो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अपने जो तुम्हारे मेंटर्स हैं, गुरु हैं, उनकी मेहनत पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और खींचो भाई अपने आप को। 6 महीने लगते हैं बेटा लाइफ को चेंज करने में बस मैक्सिमम। तुम लोग तो अप्रैल वाले हो मेनली, जो SSC TAC 64 वाले, अबे तुम्हें तो 6 महीने भी नहीं बचे हुए, तुम अप्रैल में तो LT बन जाओगे। तुम ये सोचोगे कि कितना बड़ा मेजर चेंज आ जाएगा तुम्हारी लाइफ में, ये चीजें सोचो। तो ये तुम्हारा SSB जिस दिन क्लियर हुआ, वंस यू गेट सेलेक्टेड, वंस यू गेट रिकमेंडेड, दैट फीलिंग आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू इन वर्ड्स। आई गॉट कॉल्स फ्रॉम द किड्स कि भैया हो गया भाई, कभी कभी तो आंसू निकल जाते हैं मेरे भी कि यार इसको मैंने कितना पढ़ाया है। मतलब वो बच्चा एक टाइम पे दुखी, सर ब्रेकअप हो गया है, सर मेरी बंदी पत्नी कर रही है, मैं दारू पी रहा हूँ सर बैठ के, सर मेरे पापा मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सर मेरी मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, किसी के पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था, वो अलग डिप्रेशन में चल रहा था, ऐसे ऐसे बच्चों ने सेलेक्शन लिया है, दे वेंट अगेंस्ट एनीथिंग एवरीथिंग, फोकस फोकस, कहते हैं घोड़े की जीन की तरह, दे आर टारगेटेड ऑन द गोल, वो फोकस लेजर साफ फोकस होना चाहिए तुम्हारा इस टाइम पे। जो सबसे बड़ी चीज तुम्हें करनी है कि अपने गोल से भटकना नहीं है। जब तक तुम्हारा SSB है, तुम भाई यहाँ से सुनो सबकी बातें, ठीक है ओके, कोई तुमको कुछ भी बोल रहा है उल्टा सीधा नेगेटिव तुम्हारे बारे में, जो तुमको नीचे खींच रहा है, यहाँ से सुन के यहाँ से निकालो। भगवान ने दो कान दिए। मेरी वाइफ मेरे को सरकाज़म में बहुत बार बोलती है कि मेरी बातें बहुत बार तुम सुनते नहीं हो, दो कान का बहुत अच्छे से यूज करते हो। फिर मैंने कहा बता कैसे यूज करता हूँ, बोलती है तुम यहाँ से सुनते हो और यहाँ से निकाल देते हो, दो कानों का बेहतर प्रयोग तुम ही जानते हो बहुत अच्छे से। मैंने कहा अच्छा, आई आई टेक इट वेरी इन अ सरकाजम वाला मैनर। तो मैंने कहा ये बात तो बच्चों को बताऊंगा मैं, मैंने कहा ये बात तो नहीं सही बोली, ये तो बच्चों को बताने वाली बात है। तो आई आई ऑलवेज टेक क्रिटिक्स लाइक दिस, नो मैटर कितना भी अच्छा आप बन जाओ, कितने भी अच्छे आप काम करो, देर विल ऑलवेज बी समवन हु विल पुल यू डाउन, बट डू नॉट हैव टू फोकस अपॉन द पीपल हु आर एक्चुअली पुलिंग यू डाउन। भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे करियर की लग जाएगी, स्टे फोकस्ड। तुम्हारे को जो रिसोर्स मिला हुआ है, लक्षदीप है, मैं हूँ, सपोर्ट पूरा है, तुमको जो समझ में नहीं आ रहा पूछो, भैया मेरे पास ये बुक नहीं है, भाई कहीं ना कहीं से जो सपोर्ट चाहिए लो। अभी अगले महीने बूट कैंप होगा, तुम सबके सब आ सकते हो बूट कैंप में, कोई तुमसे फीस वीस नहीं लूंगा मैं, ठीक है, जो दिल्ली आने के लिए जिसके लिए पॉसिबल है, मेरे को बस वो स्टे का सॉर्ट करना है, ब्रेकफास्ट लंच उसमें मैं दे रहा हूँ, और क्या कहते हैं बाकी बच्चों के, जो बच्चे वैसे नए बच्चे हैं अपने बैच के बच्चों के लिए कुछ नहीं है, जो वैसे बच्चे उनके लिए पेड रहेगा, 6-7 हज़ार रुपये उसकी फीस रहेगी, जो भी है बता दूंगा, है ना। पर ये सब इसलिए किया जा रहा है कि तुमको एक बेहतर इंसान बनाया जा सके, बेहतर पोटेंशियल के ऑफिसर मटेरियल बनाया जा सके, ताकि तुम जब जाओ ना तो भाई तुम इंटरव्यूइंग ऑफिसर को लगना चाहिए कि यार अगर इस बच्चे को नहीं लिया ना तो फौज का तो नुकसान होने वाला है, सीधी सी बात है। तो इतना बेहतर कैंडिडेट बन के जाना है, इतना अपने आप को ग्रूम करना है, निखारना है। आपको लग रहा है कि यार मैं तो बोलते टाइम फंबल कर रहा हूँ, भाई शीशा लो बोलो। आपको लगता है कि मेरी जीके वीके ब्लॉग्स पढ़ो, मेरे से पूछ लो भैया मेरे को बताओ 4 ऐसे कौन सी वेबसाइट्स हैं जो मैं फॉलो कर सकता हूँ, ऐसे कौन से ब्लॉग हैं, क्या ऐसे स्टेप्स लूँ, आई विल टेल यू। और तुम एक हफ्ते के बाद मेरे से मिलना, तुम नॉलेज बेस में बहुत आगे निकल जाओगे। वर्क इन रियल टर्म्स, डू नॉट हार्ड वर्क फॉर द सेक ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, किसी को दिखाना नहीं है तुमको, तुमको खुद से बेहतर बनना है, जो तुम कल थे वो तुम्हें आज दिखाना है, कल से बेहतर आज बनना है। तुम लीडरशिप रोल के लिए जा रहे हो, तुम कोई चपरासी भर्ती में थोड़ी जा रहे हो। जिस दिन तुमको ये समझ में आ गया कि मैं ऑफिसर बनने वाला हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ क्लास 1 गजेट ऑफिसर एंट्री, आई एम गोइंग टू लीड मैन एंड वुमेन, आई एम गोइंग टू लीड पीपल देयर। मैं कितने सारे ऑफिसर्स के पॉडकास्ट करता हूँ, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी स्टोरी होती है, दे लीड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीपल स्किल्स, और पीपल स्किल्स मेहनत करने से डेवलप होती है, लोगों के साथ काम करने से, लोगों के साथ बात करने से, जलप होने से डेवलप होती है। ये सारी चीजें आपको इस तैयारी में सीख जाओगे, थोड़ी बहुत एकेडमी में ग्रुप रगड़ेंगे तुमको वो लोग, वहां सीख जाओगे, ठीक है। तो आई होप तुम इसमें से कुछ सीखोगे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, बाद में भी देख लेना। महेश हाउ इज गाइस लाइफ सर? अच्छा चल रहा है सर, अभी तो मुझे सब मतलब पता था कि अभी तो मैं एक कॉन्फ्रेंस आउट था तो मुझे सब पता था, लेकिन जो जो मिस्टेक मैंने की थी, क्योंकि मैंने जब फोकस किया था, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था दिसंबर में, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा अभी, तो मुझे मैंने फर्स्ट PPT और OER में ही फोकस किया था, बाद में मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर देखा था सभी सब टॉपिक्स, तो मुझे इतने आइडिया नहीं थी, तो इसकी वजह से कुछ कुछ मतलब GTO टास्क में इसमें थोड़ी फंबल हो गया, मुझे पता नहीं था प्रॉपर वे, तो अभी तो प्रॉपर मतलब एक जो जो वहाँ पर मिस्टेक हुई थी अभी वो मुझे मतलब पता चल गई, ओके सब रिकॉल हो रहा है, तो इस वजह से नहीं हो पाया, ओके अभी वो मतलब हो रहा है सभी।
समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा था उस टाइम पे और मुझे अभी क्या करना है। यहाँ अच्छो जो भी रिपीटर्स है ना यहाँ पे, जो बच्चे जो कोई भी हो, फ्रेशर हो या रिपीट, फ्रेशर हो तो तुमको पता है लक्स बता रही है सारी चीजें, मेंटरशिप मिल रही है, फॉलो करना है उसकी बातों को, मानना है, बिकॉज़ ही हैव बीन देयर डन दैट। अब मैं ऐसा तो हूँ नहीं, मैं SSB की लेक्चर्स में मैं तुम्हारे को अपनी फेलियर से सिखाने आया हूँ कि भाई मैं ये गलती करता हूँ, तो नहीं करना इस चीज पे, ऐसे इंप्रूव करना है। लक्स लक्स के अंडर में तुमको क्यों किया हुआ है, बिकॉज ही वॉज देयर, ही हैव बीन देयर डन दैट, है ना। तो वो सारी चीजें सीखते जाने हैं। SSB में जब आप जाओगे, पुराने SSB में क्या हुआ था, आपके पास कॉपी होनी चाहिए, उसके पास आपको लिखा होना चाहिए कि इस SSB में मेरे साथ ये हुआ था, ये किया था तो ऐसा हुआ था, आपके पास पूरा लिखित में होना चाहिए लेखा जोखा। देन यू डिस्कस विद हर, देन यू इम्प्रूव अपॉन दैट, क्योंकि ये सवाल पूछा जाएगा, ये हर बार पूछा जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने दो बार SSB दिया है, दो कॉन्फ्रेंसेज देखी है, इज देयर एनीवन जो दो बार SSB में गया है? कोई भी नहीं है तुम लोगों में से। तो कभी किसी रिपीटर के साथ सेशन होगा ना, एक है मेरे बैच में लड़का हेमंत भाई, 10 SSB दे चुका है, उससे हर बार पूछा जाता है तू 10 SSB दे दिया, उससे पिछली बार पूछ लिया कि तू 10 SSB दे दिया, तेरा हो क्यों नहीं रहा यार, तू तो पेपर पास कर लेता है सारे। इंटरव्यूइंग ऑफिसर उसको बोलता है भाई तूने सोच के बैठा है, कभी तूने बैठ के सोचा है कि मैं हो क्यों नहीं रहा, 10 हो गए। इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज सेइंग टू हिम लाइक दिस, वो कह रहा सर माय आई वाज आस्किंग मी दिस, ही इज अ साउथी, ही इज अ साउथ इंडियन चैप। तो मैंने कहा ही वाज राइट, ही वाज आस्किंग यू राइट थिंग, ये तो सोचने वाली बात है कि तू पेपर पास करता है, CDS निकाल दिए 6 बार, FCAT तू सारे पास कर ले रहा है, NCC स्पेशल भी तू देता है, ऐसा क्या हो गया कि 10 SSB लग जा रहे हैं, बार बार सेम चीज हो रही है, कॉन्फ्रेंस आउट कॉन्फ्रेंस आउट कॉन्फ्रेंस आउट कॉन्फ्रेंस आउट। मैं कहा कहीं ना कहीं तो तुमको वो लग रहा है उसको कि यू आर नॉट सीरियस, आइदर यू आर गिविंग कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स, यू आर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तभी नहीं हो रहे आप। वो उसको समझाया, फिर उसकी कहानी सेट हुई, अभी भी है उसकी ईयर SSB, हो जाएगा उसका, ही विल मेक इट, ही इज अ वर्किंग फेलो, ही इज वर्किंग विद एन इंडिगो एज एन HR। वो बहुत पुराना स्टूडेंट है यार मेरा, उसका इंटरव्यू पड़ा है चैनल पे, तो मेहनती है, पर वो मेहनती बच्चा हो जाता है एंड में, गलतियों से सीखता है, लात खाता है, 2-4 बार गिरता है, पटकता है, समझ जाता है, ठीक है, और हो जाता है। इट विल टेक यू सम टाइम, पर तुम लोगों के लिए वो बात नहीं है कि तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे सकता, आई वॉन्ट योर सिलेक्शन, मुझे सबके सब चाहिए, मैं फिर तुमको बुलाऊंगा सबको दिल्ली, बढ़िया से फैसिलिटेशन सेरेमनी करी जाएगी सबके साथ, बढ़िया कहीं बढ़िया सी जगह पे सिलेक्शन लो, ठीक है भाई। पुरानी चीज़ों को सुधारो, इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट सोचो सारी चीज़ों को, रिकॉल एंड देन राइट इट डाउन, एंड देन लक्स के हेल्प से वो सॉर्ट करो उनको। भविष्य तू बता, भविष्य भार्गव आपका कैमरा ऑफ है आई थिंक, चल कोई नहीं, जब तेरा हो जाएगा तो बोलना। अंकुश, सबसे पहले अंकुश आया था मेरे पास। हेलो भैया। हाँ हाँ भाई, फर्स्ट एडमिशन ऑफ द लक्ष्य बैच, बताओ। नेट की दिक्कत है, नेट की दिक्कत है, कोई बात नहीं, वीडियो कॉल है तो थोड़ा कैमरा तो मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा। हाँ मत कर, ऐसे ही बता दे भैया। वही है कि जैसे मैंने पहले भी, ऐसा नहीं है, मैंने ऑनलाइन कोचिंग चुपचाप लेने की सोची तो ली, मैंने आपको बताया भी था, तो उसमें तो कुछ इतना समझ नहीं आया, फिर जो आप GD वगैरह लेते थे ना, जब जब टाइम लगा उसमें घुसा, बैठी देखी किया, मुझे लगता है मैं शायद स्क्रीन इन भी हो जाता, तो वो थोड़ा सा ग्रुप ठीक भी नहीं था ना इतना, वो सब हो गया, फिर मुझे पता ही था यार स्क्रीन आउट होना ही है, होना है, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। फिर मेरा था कि मेरा एक फिक्स है कि मैं कोई 10 अटेम्प्ट्स नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं अपने आप को पानी में आंकता हूँ, मुझे पता है अगर मैं जैसे सोचता हूँ, जैसे मुझे मेहनत करनी है, मैं वैसे करूँ, मेरा एक अटेम्प्ट में भी निकल जाएगा, इतना मुझे अपने आप पे भरोसा बहुत ज्यादा। तो अभी बस वही है कि जैसे जैसे मैम बोलते जा रहे हैं तो करता जा रहा हूँ, और बस वही है कि जैसे मैं सोच लेता हूँ कि मुझे अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है, तो फिर मैं ना मतलब इस लेवल पे करनी है प्रिपरेशन, तो मैं ना उस लेवल को वो रीच करने की कोशिश करता हूँ, बाकी और कुछ इतना है नहीं, बस फिलहाल तो मैं यही कर रहा हूँ बैठ के। और एक ये है कि मैं थोड़ा सा ओवर थिंकर भी हूँ, तो इसका भी मैं फायदा उठाने लग गया हूँ कि स्क्रीन इन होनी है क्या क्या, जैसे स्क्रीन इन में तो चीजें देखी है थोड़ी बहुत, तो उनसे क्या क्या सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं, इनको मैं कैसे हटा सकता हूँ, ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ, तो इनसे सिमुलेशन करवा दूंगा मैं तुम लोगों का एक बार, मैं SSB में ना जब तुम लोग ऐसे ही कर रहा हूँ।
हाँ मैं सिमुलेशन करवा दूंगा, तुम सबके साथ मैं बैठूंगा, हम लोग पीपीटी और इसकी दबा के प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी रहूंगा, लक्ष्य भी रहेगी, एक दो सेशन हम ऐसे करेंगे जहाँ पे हम पूरा सिमुलेट करेंगे व्हाट कैन गो रॉन्ग एंड हाउ टू हैंडल केओस, ठीक है, उस केओस को हैंडल करना हम मैं यहाँ बस पे सीख वही कर रहा हूँ बैठ के अभी। हाँ ये सारी चीजें हैं, हमें ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से तैयारी करनी है, बट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग है ना, तो वो वाला हिसाब है, तो पर हम यहाँ पे सिमुलेट करके जाएंगे उन चीजों को भी, तो टेंशन मत लो, हम हर पॉसिबल सिनेरियो सिमुलेट करेंगे ताकि वहां पे तुमको नया नहीं लगेगा कि यार ऐसा तो हुआ नहीं था, हमने तो तैयारी जो करी है उसमें तो ऐसा हुआ नहीं। बिफोर बिकमिंग अ पायलट यू हैव टू डू सिमुलेटर, सिमुलेटर पे ट्रेनिंग होती है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है, जब तक इंस्ट्रक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना कि भाई सिमुलेटर पे बच्चा ट्रेंड नहीं है प्रॉपरली, तब तक वो कॉकपिट में घुसता नहीं है। ये बात तुम्हें लक्षदीप से बेहतर कोई बता नहीं सकता, बिकॉज ही हैव बीन ट्रेंड ऑन सिमुलेटर्स एंड ही हैव बीन ट्रेंड ऑन फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स, तो वो बता देगी तुमको कि चेयर फ्लाइंग होती है, यहाँ पे बोर्ड के कटआउट लगे होते हैं कुर्सी पे बैठे हो और तुमको भाई 10-10 दिन तक तुम वही सेम कहानी उसी में घूम रहे हो, जहाज तो दूर की बात है, वो बाद में होगा, 400-200-150 करोड़ का जहाज सरकार ऐसे थोड़ी ना दे देगी उड़ाने के लिए तुमको, वो तो चेक करेगी तुम्हारे अंदर। सो दैट सिमुलेशन वी विल ऑल्सो डू, है ना, कि वॉट वॉट पॉसिबली कैन गो रॉन्ग इन योर SSB का स्टेज वन का स्क्रीनिंग और एनीथिंग, वी विल डू इट, डोंट वरी। और तुम लोगों के लिए खुशखबरी है, वो तुम्हें जब 2-4 दिन बैच खत्म होने में बचे होंगे तब बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। अब कौन बचाए, शिवम बचाए, शिवम बता तेरा क्या चल रहा है, शिवम? हाँ सर, सब सब बढ़िया चल रहा है सर। पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक आपके क्या चेंजेस हैं, एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट? बिल्कुल है, बोल बोल। हाँ सर, बहुत चेंज आया सर, मतलब जैसे सर, मतलब पहले स्टोरी राइट नहीं कर पाते थे, एक्शंस नहीं डाल पाते थे स्टोरी राइटिंग में, अब धीरे धीरे थोड़ा एक्शंस, मतलब उतना भी मतलब ज़्यादा नहीं डाल पा रहे हैं, बट लेकिन इम्प्रूव कर रहा है वो चीज़, वो दिख रहा है सर। सर फिर उसके बाद थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा दिक्कत था, मतलब जो सोचते थे वो बोल नहीं पाते थे, बट धीरे धीरे सर प्रैक्टिस से फिर वो इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि मतलब हम लोग का ग्रुप सर बहुत बढ़िया है सर, मतलब सपोर्टिव ग्रुप है, तो सर एक दूसरे को सर बहुत सपोर्ट करता है, तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और सबसे भी यू गाइस आर अ टीम, ये बात याद रखो, ऑल ऑफ यू पीपल आर अ टीम हियर, ठीक है, एक दूसरे को भी सपोर्ट, इंप्रूवमेंट हो रहा है सर, बढ़िया भाई, गुड, ठीक है, यू पीपल आर अ टीम हियर, ठीक है, जो भी तुम 12-13 बच्चे हैं अभी, एक कल और एक दो कल और ऐड होंगे, 13-14 जो भी बच्चों, तो यू पीपल आर अ टीम, एक दूसरे को भी सपोर्ट करना है, तुमको लग रहा है कि भाई मुझे लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बंदूक लेके तन जाओ सामने वाले पे, तुम्हें लग रहा है किसी का कोई कुछ ऐसे गड़बड़ करता है थोड़ा बहुत, तुम उसको बता सकते हो कि भाई देख या बहन देख, तू देख यार तेरे में मेरे को ये दिक्कत लगती है, तू डोमिनेट करने लगती है यार, लगता है ऐसे, मतलब एक दूसरे को फीडबैक दे दिया करो, दैट आई कॉल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, किसी को बोल दो फीडबैक दे दो पर उसको बुरा ना लगे, दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सरकाज्म के वे में बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इवेंचुअली वहाँ पे सब टीम में होने वाला है SSB में, स्टेज वन में जाओगे 15 बच्चे साथ में बैठे होंगे, स्क्रीनिंग में वही टीम है, GTO में 2 दिन का टीम में हो रहा है सब कुछ, SSB में अकेले तुम साइक में और इंटरव्यू में बैठोगे, पर वहाँ पे भी टीम डायनेमिक्स ही चेक हो रही है, फौज में अफसर बनोगे तो लोगों के साथ ही काम करना है ना, सो इन चीज़ों पे भी साथ साथ देखते रहना, एक दूसरे को हेल्प करना है, वी पीपल आर अ टीम एंड दैट टीम इंक्लूड्स मी ऑल्सो, ठीक है, एनी हेल्प इज रिक्वायर्ड डू लेट मी नो, ठीक है बच्चों, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी और सजेस्ट टू मी कि भैया ये भी किया जा सकता है वो भी किया जा सकता है, प्लीज बताओ, फिर बंद करते क्लास। भैया एक बार हो सके तो हम सबका, जब आपको टाइम लगे एक बार टेक्निकल इंटरव्यू ले सकते हो, क्योंकि खुद को आंसर जाना अलग बात है, लेकिन जब सामने वाला ग्रिल करता है उस टाइम पे कई बार हम सब ऐसे इस पे शायद एग्री कर जाएंगे, हमें आंसर पता होगा बट वो माइंड से स्किप हो जाएगा, फिर वो ग्रिलिंग और चल जाती है, करता हूँ कुछ, करता हूँ, हाँ जी, इस पे आई विल डू समथिंग, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू, देखता हूँ कोई टेक ऑफ सर अगर कोई मिला तो उनके माध्यम से कर लेंगे या फिर मैं ही कर लूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस तो बहुत है यार, क्वेश्चंस तो रेडी हैं, हर ब्रांच के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ठीक है, तो जितने बीटेक वाले टेक वाले हैं ना, टेक SSC टेक वाले जनता जो भी है, करते हैं इसको भी, कर लेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई वांटेड टू डू दिस क्लास सिंस लॉन्ग, आई होप तुम भाई का नाम रोशन करोगे बहुत जल्दी, ठीक है,
हाँ हर्ष, तू बचा है यार, मेरे भी यही है। और मैं हर्ष बच गया, रुक जाओ। हाँ बता, ये तो बैठा सर बता वो मैं। तो हाँ ठीक है सर, वो बोल, एसएसबी का लिंक खुल ही नहीं रहा है, मैं बहुत देर से खुलने की कोशिश कर रहा कौन सा हूँ, आपने वाला भेजा है ग्रुप फोल्डर का लिंक? नहीं ओपन हो रहा, एक सेकेंड। में। ओ खुल रहा है यार, चेक तो कर। अरे खोल रहे भाई, मैंने वही खोल के बैठा हूँ अभी मैं। सर मेरे को भाई 15 मिनट हो गए हैं, पता नहीं क्यों। 180 SRT, 100 GD के टॉपिक, 50 SSB के क्वेश्चन, 20 OAR के प्रैक्टिस सेट, 1100 वर्ड्स, 5000 स्टैटिक, पता नहीं क्या क्या है यार इसमें। इससे और बताओ और क्या जान लोगे भाई की, इतना कंटेंट दे तो दिया ये खुल मैंने। सर नहीं रहा है, कहाँ जितने से भी बटर रहा अल्ट्रा इतना है। सब कुछ? भाई मैंने 11 SSB दी है, मैंने भी मेहनत करी है, मैंने अरे बहुत मेहनत करी है, वो सब तुम्हारे को काम आ रही है आज। ये कोई मौका छोड़ा नहीं हमने, कोई हर वो प्रयास किया कि फौज ले ले, नहीं लिया, उनका नुकसान है। हमने बहुत बच्चे भेज दिए पर अंदर, मैं अकेला जाता उससे बेहतर है, ज्यादा बच्चे भेज रहा हूँ। शायद उसीलिए नहीं भेजा सर आपको, आप बच्चे भेजे इसलिए। हाँ उम्र वाले का प्लान यही था। ठीक है, वो होता है डेस्टिनी, समथिंग आई एक्सेप्ट द फैक्ट। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में, मैंने बहुत मेहनत करी, उस मेहनत के दम पे मैं कुछ बना, डिफेंस एग्जाम मास्टर बना। ठीक है, तुम लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ इसी वजह से कि जो एक्सपीरियंसेस थे वही शेयर करता हूँ, तभी हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और जो मैंने फोल्डर भेजा है उसमें बहुत कंटेंट निपटा दो, फिर तुम्हारे आसपास भी कोई नहीं आने वाला। क्लास लो प्रैक्टिस करो, क्लास लो प्रैक्टिस करो, हेल्प लगे मांग लो, खत्म कहानी। और ठीक है एक चीज़ और बता देता हूँ तुम लोगों को, मैंने बोला था ना कि 1 मंथ का लाइव बैच है, अगला बैच 5 तारीख से चालू करेंगे। अगले वाले जब तक तुम्हारा SSB नहीं होता तुम क्लास करते रहना दोबारा से, कोई फीस वीस नहीं लेने वाला मैं उसी बैच में। मतलब क्लासेस पूरी तरीके से नए शेड्यूल होंगी, दैट वाज द गुड न्यूज, मेरे को रहा नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसी वाले बैच को कंटिन्यू कर देंगे, 5 तारीख से लक्ष्य दूसरे बच्चे आएंगे, क्योंकि 15 तारीख तक जो बच्चा आ गया उसने कर लेगा वो कवर, 15 के बाद जो आएगा कोई फायदा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगला जो बेस्ट शेड्यूल होगा हमारा 5 तारीख, दिवाली के बाद दिवाली मनाएंगे। तो तुम लोग को ये नहीं कि 1 महीने के बाद बैच का एक्सेस हट जाएगा, दिसंबर तक तो मैं दे ही रहा था लाइव क्लासेस, पर अब लाइव क्लासेस इसी बैच में शेड्यूल होंगे 5 तारीख से भी, हम कोई नया बैच नहीं ऐप पे बनाएंगे। व्हाट यू गाइस कैन डू, यू कैन रीजॉइन, कि मुझे कोई वो सीट थोड़ी लगानी है, ऑनलाइन हो रही है क्लास, तो जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए फ्रेश होगा, तो तुमको एक बार वैसे ही पढ़ना पड़ेगा कि जैसे फ्रेश है। हाँ उसमें थोड़ा सा ये करना, उनके साथ तुम्हें कॉपरेट करना पड़ेगा, है ना, लग सबके डाउट्स आंसर करेगी, पर तुम लोग ऑलरेडी जान चुके हो, तुम्हारा वो रिफ्रेशर चलेगा फिर उस दौरान। जब तक तुम्हारा SSB होगा तब तक करते रहना। हाँ मुझे पता है कि तुम लोग एक बार पूरा कर लोगे सिलेबस, तो शायद तुम ना करो क्लास, पर जो करना चाहता है मैं उसका एक्सेस हटाऊंगा नहीं। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, एक्सेस नहीं हटाने वाला मैं किसी का, दिस बैच विल कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। एटलीस्ट ये सारी चीजें। एनीवन एल्स ऑफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, बताओ कुछ और पूछना है किसी को? नहीं, चलो भाई मजा आया तुम लोगों से बात करके, काफी समय से सबसे एक एक करके बात होती है, आज सबको एक साथ देख के अच्छा लगा हेलो इसको। भैया। हाँ तू कहाँ गायब है, तेरे को इतनी देर से मैसेज डाला हुआ है, बहुत पिटे हुए तुम, कैसा चल रहा है अभी तेरा? ऑफिस से आ ये देखो हमारे कॉरपोरेट मजदूर नेट नहीं चल चल रहा रहा है, इसका, सही चल रहा है अभी। चल रहा है देखो इसकी एनर्जी देख रहे हो कितनी डाउन है, बोला भी बस नहीं जा रहा भाई, तू खाना वाना खा ले जाके। ठीक है क्लास कर और खाना नहीं, वाना डाउन नहीं है, खा। एनर्जी सही है, वही अच्छा कर चल रहा रहा है, हूँ क्लास समझ में आ कर। रही है चीजें, इम्प्रूवमेंट कितना है? हाँ चीजें समझ तो आ रही है, मेजरली लैग जो कर रहा हूँ वो कम्युनिकेशन और उसमें कर रहा हूँ, नरेशन वगैरह में, तो हाँ उसका ट्राई कर रहा हूँ 7 बजे वाले GD में आया, मेजरली तू जो तो मुझे ऑफिस। लग रहा है बाकी ठीक है, मैं क्या? तुझे तुझे कुछ चीजें भेजूंगा, सबको भेजूंगा कम्युनिकेशन और नरेशन के लिए, कुछ अपने नोट्स वापस से रीअपलोड कर रहा हूँ बैच के ग्रुप पे, देख लेना। ठीक है भाई, लगे रहो बस, करते रहो, तुम लोग छोड़ना मत। ऑफिस वाले बच्चों को मैं बोलूंगा मैनेज करना पड़ेगा, वही बहुत लगे लाइन, लगे रहना है। हाँ बहुत मैनेज करना पड़ेगा ऑफिस वाले बच्चों को, ऑफिस भी है, SSB की तैयारी भी है, क्लास भी है, रिकॉर्डिंग भी है, काम भी करना है, घर के भी काम है, खाना बनाना है, या खाना खाना भी है, तो बहुत केओटिक हो जाती हैं चीजें, बट पहले भाई कर लो मैनेज। लाइफ में आसान तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है, बट इफ हो यू रहा है सेट मैंने जैसा कोई इतना कोई खास ही,
खास इशू नहीं आ रहा, मैनेज तो हो रहा है, इतना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो फार सो गुड, फीडबैक इज गुड, दैट इज नाइस, अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, मुझे खुशी हुई है जान के। अब मुझे सिलेक्शन ला के दो बस, ठीक है, सबके सब सिलेक्टेड चाहिए मेरे को भाई, जो हेल्प लगे मांग लिया करो। चलो टेक केयर, इसको यूट्यूब पे डालेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे दूसरे भाई बहन तुमको देख के मोटिवेट होंगे कि हाँ इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, इन 15 दिन से लगे हुए हैं लगातार, इतनी मेहनत जरूरी है, मेहनत करेंगे तो इसी में से सिलेक्शन भी दिखेंगे। ठीक है, जब व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं भाई, यहाँ तो पूरी जान लगा के मेहनत हो रही है, करो तुम लोग। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते मेरे ऐसे ही Q&A टाइप सेशन में, और तब तक जो है लक्षदीप से पढ़ाई करते रहो, और कोई भी दिक्कत होगी मुझे बता देना। ठीक है, चलो जय हिंद, टेक केयर, जय हिंद सर।